नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर जनता बिजनौर के चांदपुर से है, जहां कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा डॉक्टर को मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। हम आपको बता दें कि उपचार के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। मौत होने के बाद बिजनौर में हड़कंप मच गया। चांदपुर निवासी डॉक्टर अभय अग्रवाल का पार्थिव शरीर अभी अभी कुछ क्षण पहले एम्बुलेंस से इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बने शव दाह गृह में पुलिस कस्टडी में मेरठ से लाया गया है। समाचार गृह के लिए चांदपुर से तारिक शेख की रिपोर्ट। आज जो ये मामला है, बताया जा रहा है कि जो चिकित्सक थे चांदपुर के, सर वो एक्सपायर हो गए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, ये अभय जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कल दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई। सबसे पहले तो ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और मृतक आत्मा को शांति दे। ये हमारे चांदपुर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। आने वाले दिनों में हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि फिर ऐसा ना हो और कोरोना संक्रमित कोई भी मरीज चांदपुर में ना पाया जाए। इस प्रकार का प्रयास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। तो जनपद बिजनौर की जैसे कि पहली घटना है, क्या प्रशासन द्वारा कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे या नहीं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए प्रशासन सतर्कता रखेगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों को घरों में रहने के लिए कठोर कदम भी उठा सकते हैं। समझाने बुझाने से अगर काम नहीं बना तो हम सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता से मैं अपील करूंगा कि सब लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है घरों में रहना।